नमस्कार दोस्तों, चंदन क्लासेस प्रयागराज में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा। इसके पहले हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ चुके हैं, आज के हमारे बौद्धकालीन शिक्षा में देखते हैं। देखिए, गुरुकुल जो गुरुकुल व्यवस्था थी शिक्षा का माध्यम, वो वैदिक कालीन में था, और जो बौद्धकालीन शिक्षा है ये मठों में दी जाती थी, ठीक। और जो मठ का नियंत्रण था ये संघों के हाथ में था। शिक्षा का पूर्ण दायित्व मठों के हाथ में थी, मतलब जो शिक्षा देना और जो शिक्षा के संबंधित जो कार्य थे ये मठ के हाथ में थे। और इसमें शिक्षा से पूर्व इसमें प्रवज्ञा संस्कार कराई जाती थी। प्रवज्ञा संस्कार जो शिक्षा की शुरुआत के लिए था, शिक्षा की शुरुआत में प्रवज्ञा संस्कार कराई जाती थी, जिसकी उम्र 6 से 8 वर्ष माना जाता है। 6 से 8 वर्ष मतलब है कि किसी किसी किताब में 8 वर्ष है, किसी किसी किताब में 6 वर्ष है, तो वही हमने 6 और 8 दोनों को लिया है। अब विकल्प के अनुसार इसका चयन किया जाएगा। अब देखते हैं, इसमें पंचशील विद्या की बात की जाती है। इसमें शुरुआती शिक्षा में जो बौद्धकालीन शिक्षा है, इसमें शुरुआती शिक्षा में एक पोथी पढ़ाई जाती थी, मतलब एक किताब पढ़ाई जाती थी, जिसमें सिद्ध रस्तु नामक पोथी पढ़ाई जाती थी, जिसमें 49 अक्षरों पर आधारित था शुरुआती शिक्षा में। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं, हमारा इसमें पंचशील विद्या की बात की जाती है। पंचशील विद्या क्या है? पंचशील विद्या मतलब 5 विद्याएं, विद्या का ज्ञान कराया जाता था, जिसमें शब्द विद्या, शब्द विद्या मतलब होता है कि व्याकरण ज्ञान, इसमें व्याकरण संबंधित ज्ञान को दिखाया जाता था। उसके बाद इसमें हमारा है तर्कहित विद्या, दूसरा हमारा तर्कहित विद्या मतलब तर्क या हेत विद्या, उसमें हेत विद्या का उल्लेख है, और हम जिससे उसमें तर्कशील बातें की गई हैं, इसलिए इसे तर्क या हेत विद्या के नाम से भी जाना जाता है। और हमारा तीसरा देखते हैं शिल्प विद्या। शिल्प विद्या मतलब होता है वस्तुओं का निर्माण करना, इसमें कौशल युक्त जो शिक्षाएं दी जाती थी वो था। चिकित्सा विद्या जिसमें हकीम वैद्य ये सब बनने के लिए शिक्षाएं दी जाती थी। और हमारा जो पांचवा है आध्यात्मिक विद्या, इसमें जो है जो श्रेष्ठ साधु संत बनते थे, जो मठों के जो भिक्षु और भिक्षुणी बनते थे, इनके बारे में इनको मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षाएं दी जाती थी। और हमारा जो है इसमें कहा गया इनके 3 प्रमुख ग्रंथ थे, जैसे सुप्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। विनय पिटक में इसमें संघों के नियमों का विवेचना किया गया है, संघ कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। और बौद्धकालीन शिक्षा में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें समावेशी कक्षा का एक प्रभाव दिखाई देता है, जो कि सर्वप्रथम दिखाई देता है। इसमें लिंग जात धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, कोई भी हो, चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस धर्म का हो, उसमें आके शिक्षा ग्रहण कर सकता था। ये समावेशी जो आजकल जो शिक्षाएं चलती थी एनसीएफ के अनुसार, इस चीज़ का प्रभाव बौद्धकालीन शिक्षा में सर्वप्रथम दिखाई देता है। देखते हैं हमारा अगला, हमारा अगला कहता है कि 20 वर्ष की आयु होने के बाद, अगर आप 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और आपको आजीवन भिक्षुक बन के रहना है बौद्ध धर्म के अनुसार, तो आपको उपसंपदा संस्कार, आपका उपसंपदा संस्कार होगा, उसके पश्चात आप आजीवन भिक्षुक के रूप में व्यतीत करेंगे। उपसंपदा संस्कार मतलब 20 वर्ष आयु पूरी करने के पश्चात ही आपको उपसंपदा संस्कार होगी। ये चीज़ ध्यान देना, कभी कभी पूछ लेता है कि उपसंपदा संस्कार ऑप्शन में दे देगा 20 वर्ष पहले, नहीं 20 वर्ष बाद है, आप 20 वर्ष को पूरी करने के पश्चात ही आपका ये संस्कार होगा। विधियाँ, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधियाँ जैसा कि आप जानते हैं अनुकरण विधि, जो शुरुआती दौर में भाई 6 से 8 का, 6 वर्ष से 8 वर्ष का बालक है, उसे जो विधि सिखाई जाएगी या अनुकरण विधि सिखाई जाएगी ना, और उसमें है आपको देशाटन विधि। देशाटन विधि मतलब होता है कि देश विदेश जो घूम घूम कर भ्रमण करके जो अपना धर्म का प्रचार करना, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उसी को देशाटन विधि कहते हैं। फिर है हमारा शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ मतलब होता है कि अपने शास्त्र और दूसरे शास्त्र, मतलब जैसे कि दो विद्वानों के बीच में किसी चीज़ पे विचार विमर्श होता हो, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कई बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं जिसमें शास्त्रार्थ हुए हैं, कई धर्मों के लोग आए हैं अपने अपने धर्म को सब अच्छा बताने के लिए, उसमें उन दोनों के बीच विचार विमर्श होता है, वही है जो शास्त्रार्थ, उसके लिए सिखाया जाता था। फिर है तर्क विधि। तर्क विधि आपको तर्क करना सिखाया जाएगा। अभ्यास और कथा विधि, अपने धर्म के बारे में जो जो अच्छी अच्छी कथाएं हैं उसके बारे में अभ्यास विधि, मतलब आपको लगातार किसी चीज़ पर प्रयासरत कराना के लिए सिखाया जाता है। पाठ्यक्रम क्या था? पाठ्यक्रम दो दो भागों में विभाजित थे, एक लौकिक और धार्मिक।
लौकिक में आपको गणित, व्यावसायिक शिक्षा जैसे इन सब चीज़ों की शिक्षा दी जाती थी, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकें या अपने जीवन यापन कर सकें। धार्मिक या परालौकिक शिक्षा थी। देखिए, धार्मिक परालौकिक शिक्षा में इसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म के बाद में बात किया गया है। देखिए, पारालौकिक या धार्मिक शिक्षा है, बौद्धकालीन शिक्षा भले ही है, लेकिन उसमें भी जैन धर्म की जो है उस पर आलोचना नहीं किया गया है। उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें रही होंगी, वैदिक काल में भी अच्छी चीज़ें कुछ रही होंगी। उस चीज़ को भी पढ़ाया जाता था, क्या चीज़ ठीक थी, क्या चीज़ नहीं ठीक था, उस अनुसार। और आगे हमारा है, इसमें चार आर्य सत्य की बात किया गया है, चार आर्य सत्य की बात किया गया है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दुख है, दुखों का कारण, दुखों का नाश, और एक निर्वाण की बात किया गया है जो कि अष्टांगिक मार्गों से लिया गया है। यहाँ पे निर्वाण का मतलब होता है ज्ञान से, मतलब है मोक्ष से नहीं। और जो शिक्षाएं दी जाती थी ये पाली भाषा में थी, और प्रकृति भाषा का भी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है, जबकि ये पाली भाषा में पूर्णतः माना जाता है कि बौद्ध धर्म की सारी शिक्षा जो है पाली भाषा में दिया गया है, नहीं है, लेकिन उसमें प्रकृति भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। और हमारा अगला टॉपिक है जो इसमें महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। और जो बौद्ध धर्म था ये पुनर्जन्म विश्वास नहीं करता था, इनमें पुनर्जन्म विश्वास नहीं था। इसमें जो है 10 अनुशासन की बात किया गया, मतलब अनुशासन कैसे संघ का जो संचालन करना है, और प्लस जो शिक्षाएं दी जानी चाहिए, इसके कुछ नियम कानून थे, जैसे अहिंसा, जीवों को ना मारना, अहिंसा इसका पहला था। फिर है वस्तुओं का उधार ना लेना, मतलब किसी से वस्तु को उधार ना लेना। फिर है कि इसमें मतलब आप देखेंगे कि आपको ऐसा बनाने की कोशिश था कि आप किसी चीज़ पर डिपेंडेंट ना हो, आपको स्वयं जो कुछ करना हो आप खुद हैं, किसी पे आप आश्रित न रहें, और आप जीवों पर दया कीजिए, उसकी हत्या ना कीजिए, ऐसी व्यवस्था है उसमें प्रचलन थी। और है कि अशुद्ध आचरण, अशुद्ध आचरण मतलब होता है कि किसी के प्रति गलत आपके मन में विचार नहीं होने चाहिए, कि अगर वो इंसान है उससे घृणा करना है, स्त्री है उसके प्रति आपके मन में मैल भरा हुआ है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर है कि असत्य भाषण से दूर रहें, कि मतलब किसी के प्रति आप गलत तरीके से बोल नहीं सकते हैं, आपको असत्य नहीं बोलना है, आपको सत्य बोलना है। फिर है मादक पदार्थों से दूर रहें, मादक पदार्थ मतलब होता है कि मादक पदार्थ में जैसे कि आप जैसे कि मदिरा से शराब पीने की वाली बात होती है, आप इन सबसे दूर रहना है। आप मठों में इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगा था, आप है कि कुछ समय भोजन ना करें, कुछ समय मतलब होता है कि आप सुबह के समय भोजन करिए, फिर शाम के समय भोजन करिए, जैसे कि होता है ना कि गोधरिया बोलते हैं अपने यहाँ, उस समय जैसे कि सूरज ढल रहा है ना, और सूरज ढल रहा है उस समय भोजन नहीं खाया किया जाता, अपने सबके यहाँ यही मान्य है, उस समय भी यही प्रचलन था कि कुछ समय भोजन नहीं करना है सुबह और शाम में। और इसमें है कि श्रृंगार, श्रृंगार की वस्तुओं से दूर रहे, संघों में प्रतिबंध था कि आप श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, श्रृंगार से आपको दूर रहना है, कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, श्रृंगार वाली वस्तुओं से आपको बचना है। कि आप देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा में ऐसा भी था कि एक प्रकार से आपसे कह दे कि माया मोह से दूर, ऐसी कोई चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपका लगाव ज्यादा बढ़ता रहे, आपको हर जिससे कि माया जाल होता है इन सबसे आपको परे है, इन सबसे दूर रहना है आपको, ये सब चीजें थी उसमें। फिर है कि सॉरी, नित्य संगीत और तमाशों से दूर है, जैसे आजकल होता है कि नृत्य हो रही है, यूट्यूब चैनल पे देखिए दुनिया भर के गाने वगैरह चलते हैं, फिर आपको जो है संगीत वगैरह बहुत सारे गाने या मतलब तमाशा, तमाशा मतलब होता है जैसे कि नौटंकी वगैरह होती है अपने यहाँ, ये सब चीज़ें उसमें बड़ा प्रचलन में थी ये सब चीज़ें, कि इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर आप इन सब चीज़ों में लिप्त हुए तो आप अपने मार्ग से हट जाएंगे, आपका जो उद्देश्य है, जिस चीज़ के लिए आपको संघ में आप आए हैं आप शिक्षा लेने के लिए, अगर आप इन सब चीज़ों में लिप्त हुए आप अपने मुख्य उद्देश्य से दूर हो जाएंगे, इसलिए इस सब चीज़ों पे अधिक बल दिया जाता था। फिर है कि भिक्षा में कीमती वस्तु न ले, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, कि जाहिर सी बात है कि आप जहाँ अपने मठ की स्थापना करेंगे,
जिस राज्य में करेंगे उस राज्य में राजा भी होंगे, कुछ अमीर व्यक्ति भी होंगे, जिससे कि आप जो है भाई आपको अब वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मठ में भेजेंगे ही, तो इसके वजह से आपको बहुत सारे कीमती वस्त्र भी देंगे। और इन सब चीज़ों से जो बौद्ध धर्म है कि आपको दूर रहना है, कीमती वस्तु नहीं लेना, आपको उतने ही चीज़ें लेना है जितना कि आपका जीवन यापन हो सके। और इसमें देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आजकल जैसे परीक्षाएं होती हैं प्रमाण पत्र दिया जाता है, ऐसा उसमें बिल्कुल नहीं था, उसमें बिल्कुल नहीं था। आपको उसमें गुरु के ऊपर डिपेंड था कि आपको वो अगली कक्षा में प्रवेश देंगे कि नहीं देंगे। देखिए उनको था कि जैसे मौखिक रूप से आपका परीक्षण होता था कि आप कितना अच्छा हैं, आपको पूर्णतया जिस क्लास में उस चीज़ की पूर्णतया ज्ञान हो चुका है, अगर आपको पूर्णतया ज्ञान हो चुका है तो आपको अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, अगर आपको नहीं है तो आपको फिर से उस वर्ष उसी कक्षा में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ें थी, उसमें प्रमाण पत्र की कोई वो नहीं था, इसमें गुरु के ऊपर डिपेंड था कि वो तब तक उस कक्षा में रहेगा जब तक उस कक्षा या उस विषय के बारे में उसको पूर्णतः जानकारी न हो जाए जो आप निर्धारित किया गया है उस क्लास के लिए। फिर था कि इसमें देखिए संघों में मठों में पहले स्त्री शिक्षा का विरोध किया गया था, मतलब इसे शिक्षा को जो प्रवेश नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें स्त्री शिक्षा पे भी जोर दिया गया था। अब यानी कि देखिए अगर इन सबको मिला दिया जाए तो चाहे वो जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, सबको शिक्षा का अधिकार था। तो समावेशी शिक्षा में तो यही चीजें हैं कि वह जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये समावेशी शिक्षा का एक मुख्य थीम है। ठीक वैसे ही बौद्ध शिक्षा भी है कि जाति धर्म लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसमें सबको समान रूप से शिक्षा दी जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि समावेशी शिक्षा का अगर देखा जाए थोड़ा सा प्रभाव इसमें भी दिखता है। उसके बाद इसमें है कि जो स्त्री शिक्षा थी पहले, देखिए वैदिक काल में भी स्त्री शिक्षा जो है काफ़ी अच्छी स्थिति थी। उत्तर वैदिक काल में जाके फिर स्त्रियों के जो है थोड़ी सी स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन बौद्ध काल में इस सब चीज़ों पे इग्नोर कर दिया गया था। चाहे जो हो बस उसमें थोड़ा सा अंतर इस चीज़ का था कि जैसे कि कोई चोरी किया हो या देश से गद्दारी किया गया हो या कुछ और कारण रहे हो, उस चीज़ को संघ में जो प्रवेश नहीं दिया जाता था, मठों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो जो है पाप का भागीदार है। जब तक उस चीज़ से आप वो निकल नहीं जाता था तब तक उसको शिक्षा का अधिकार नहीं था। कुछ चीज़ों पे जो अनुशासनहीन थे, जो अनुशासन का पालन नहीं करते थे, उनको उस चीज़ से दूर रखा जाता था। हम लोग पाठ्यक्रम की बात कर ही चुके हैं, दो पाठ्यक्रम होते हैं, दो प्रकार के, एक लौकिक होता है एक धार्मिक या परालौकिक। लौकिक में जैसे कि गणित विषय, आपका व्यावसायिक शिक्षा हो गई, इन सब चीज़ों के लिए जानकारी दी जाती थी, और धार्मिक में आपका धर्म के बारे में जानकारी दी जाती थी। देखिए प्रवेश लेने लेने लेते समय जब प्रवज्जा संस्कार होता था, उस समय जिस समय प्रवज्जा संस्कार होती थी उस समय तीन वचन कराए जाते थे बच्चों को, जो उसमें था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, मतलब मुझे बुद्ध के शरण में जाना है और मुझे धर्म की शरण में जाना है, मुझे संघ की शरण में जाना है। ये प्रज्ञा संस्कार यानी कि जब प्रवेश लेते समय ये तीन वचन उससे कराए जाते थे। देखिए बौद्ध धर्म के जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं हम उस चीज़ को छोड़ इसलिए हैं क्योंकि वो इतिहास का पार्ट है, ये शिक्षण कौशल चल रहा है इसलिए शिक्षण कौशल की बात हम कर रहे हैं इसमें। ठीक, हम ऐसे ही देख लीजिए सब चीज़ें किए हैं। प्रवज्जा संस्कार जो शुरुआती शिक्षा के दौरान दिया जाता था, पंच विद्या क्या है आपका, शब्द विद्या, तर्कहेत विद्या, शिल्प विद्या और चिकित्सा विद्या और अध्यात्म विद्या, तीन ग्रंथ बताए गए हैं, सुक्त पिटक, अवधम पिटक और विनय पिटक। 20 वर्षों के बाद आजीवन भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार होता था। और देखिए शिक्षण विधियां थी, अनुकरण विधि, देशाटन विधि, शास्त्रार्थ, तर्क विधि, अभ्यास विधि, कथा विधि। और देखिए पाठ्यक्रम जो था एक लौकिक था जिसमें गणित, कला, व्यवसायिक शिक्षा दी जाती थी जो इम्पोर्टेंट था, और एक धार्मिक थी या परालौकिक शिक्षा जो था इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक साहित्य के बारे में दिया जाता था। और चार आवश्यक अध्याय को पता ही है कि दुख है, दुखों का कारण है, दुखों का नाश और निवारण, जो अष्टांगिक मार्गों से लिया गया है। थैंक यू,
जैसा भी वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके, कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।